बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000 रुपीज। अगर आप एक फोन परचेज कर चुके हो और परचेज करने के बाद ये वीडियो देख रहे हो अपनी चॉइस पर ग्रीन टिक लगाने के लिए, तो इस वीडियो को यहीं पर बंद कर सकते हो, क्योंकि अगर इन चार फोन्स में से कोई और फोन तुमने परचेज कर लिया, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे हैं अराउंड 20,000 रुपीज, तो भाई तुम्हारा दिल टूट सकता है, मुंह लटक सकता है, फोन हाथ में से झटक सकता है। वेल देखो, 20,000 रुपीज के अराउंड जो भी फोन्स मार्केट में हैं, जो हमारे पैसों की पूरी वैल्यू देते हैं, तो कुछ ऐसे ही सिलेक्टेड फोन्स बताऊंगा। वीडियो स्किप करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारना। बाय द वे, दीज आर ऑलराउंडर फोन्स। ऑलराउंडर मतलब जिनमें सभी चीजें अच्छी मिल जाए, कैमरा, डिस्प्ले, डिजाइन, बैटरी एक्सेट्रा। पर देखो, ऑलराउंडर फोन्स बताने से पहले हमेशा की तरह कुछ ऑलराउंडर पॉइंट्स बताऊंगा। अब ये पॉइंट्स क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो ब्रांड्स ना बैठे हुए हैं तुम्हें कच्चा चबाने के लिए। हर किसी को अपना फोन बेचना है और उसके चक्कर में वो मार्केटिंग करते हैं और कोयले को सोना बताते हैं। अब देखो, सभी पॉइंट्स तो मैं एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकता, दो तीन बता दूंगा, बाकी अपनी ज्यादातर वीडियोस में मैं स्टार्टिंग के एक दो मिनट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ, तो देख सकते हो थोड़ी सी नॉलेज ही बढ़ जाएगी। सबसे पहले काफी बेसिक सा पॉइंट बताता हूँ, काफी बार बता चुका हूँ। देखो, कंपनी ना सबसे ज्यादा उल्लू बनाती है लोगों को कैमरे के मेगापिक्सल्स बढ़ाकर। बहुत से फोन्स आपको मार्केट में ऐसे देखेंगे जिनके अंदर मेगापिक्सल मिलते हैं 200, 108, लेकिन इतने मेगापिक्सल होने के बाद भी कोई बेनिफिट नहीं होता। कैमरे की क्वालिटी जियान की आवाज़ की तरह ही होती है। पर यही मार्केट में बहुत से फोन्स ऐसे भी हैं जो मेगापिक्सल के नाम पर उल्लू नहीं बनाते, मेगापिक्सल आपको कम मिलेंगे लेकिन क्वालिटी अच्छी होती है। फॉर एग्जांपल, आप गूगल पिक्सल सीरीज के फोन से देख सकते हो, आईफोन से देख सकते हो। अब देखो, यहाँ पर ये बिल्कुल भी कन्फर्म नहीं है कि जो ज़्यादा मेगापिक्सल देते हैं उनका कैमरा बेकार ही होगा, ऐसा नहीं है। कुछ केसेस में अच्छा भी होता है, डिपेंड करता है ऑप्टिमाइजेशन पर। अब देखो, लेंस साइज, पिक्सल साइज, ये देखने से हमें एक आइडिया लग जाता है कि हाँ इसका कैमरा अच्छा हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में किसी भी फोन का कैमरा कैसा होगा ये तो भाई आपको कैमरा सैंपल से देखने ही पड़ेंगे, और अगर किसी के पास कोई जादुई शक्तियाँ हों तो बात अलग है। तो सो बात की एक बात ये है कि मेगापिक्सल्स के पीछे पागल होने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पर या गूगल पर जाकर कैमरा सैंपल्स देख लेना। और नेक्स्ट है 5G बैंड्स। ये देखो, आज के टाइम पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए सिर्फ इतना सुन लो कि देखो इंडिया में ये 9 5G बैंड्स लॉन्च हुए हैं। एक हाई फ्रिक्वेंसी बैंड भी है, उसको ज़रा साइड में रखो, किसी भी फ़ोन में नहीं मिलता। नॉर्मली ये बैंड्स इंडिया में काम कर रहे हैं, हर जगह पर अलग अलग बैंड्स काम कर रहे होते हैं। अब किस जगह पर कौन सा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो 9 बैंड्स हैं ये आपके फ़ोन में होने चाहिए, क्योंकि देखो 20,000 का बजट ऐसा है कि यहाँ पर कंपनीज को ना काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब अगर 5G आपकी प्रायोरिटी है तो ये नोटिस करना कि एटलीस्ट 7 बैंड्स तो होने चाहिए, या फिर पूरे 9 भी हो तो बढ़िया बात है। इसके अलावा 9 से ज़्यादा अगर मिलते हैं तो आपके इंटरनेशनली काम आएंगे, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग 5G बैंड्स काम करते हैं। बाकी मोस्ट कॉमन है 77, 78, ये ज़्यादातर कंट्रीज़ में मिल जाते हैं। और इंडिया की बात करें तो कहीं पर देखो कवरेज अच्छी होती है, मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड काम कर रहे होते हैं, कहीं पर कवरेज अच्छी नहीं मिल पाती है तो लो फ्रीक्वेंसी बैंड काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में जितने ज़्यादा बैंड्स होते हैं उतनी ही अच्छी कनेक्टिविटी मिल पाती है। चलो, अभी के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। बाय द वे, ये न्यू यूट्यूब चैनल है, तो ऐसी ही वीडियोज़ के लिए ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं इन्फिनिक्स के इस स्मार्टफोन से। इसे लॉन्च हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और अब ना इसका अपग्रेडेड मॉडल भी आ चुका है, इन्फिनिक्स जीरो 5G 2023। पर मुझे ना इन दोनों में से इन्फिनिक्स जीरो 5G जो कि 2022 में लॉन्च हुआ था, ये ज़्यादा अच्छा लगा। इसका वैसे मैंने एक प्रॉपर रिव्यू इस वीडियो में किया है, ज़्यादा डिटेल में यहाँ देख सकते हो। अब देखो, ये ना एक बेस्ट ऑलराउंडर फोन है। यहाँ पर डुअल सिम 5G है और 5G बैंड से भाई बोरे में भर कर दिए जाते हैं। 5G कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं होने वाला, बस रिचार्ज करवा लेना, बात तो सही है। इवन 4G बैंड्स भी काफ़ी अच्छे हैं, इंटरनेट कनेक्शन में तो गड़बड़ नहीं आएगी। डिज़ाइन भी काफ़ी ठीक है, लेदर में आता है, प्लास्टिक में आता है। 199 ग्राम वेट है, थिकनेस 8.8 mm, एंड्रॉइड डिस्प्ले IPS डिस्प्ले है, बट काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। कुछ वेबसाइट्स ऐसा कहती है कि भाई ब्राइटनेस कम है, पर ऐसा नहीं है, ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है और डिस्प्ले क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी, कलर्स वगैरह अच्छे हैं। प्रोसेसर है Dimensity 900, इस बजट के अकॉर्डिंग मैं कहूँगा अच्छा प्रोसेसर है। वैसे इन्फिनिक्स का जो भी नया मॉडल है उसमें 1080 मिल रहा है, जो कि इससे ज़्यादा बेटर है। पर यहाँ पर एडवांटेज है UFS 3.1 का, स्टोरेज टाइप ज़्यादा होने से भी परफॉर्मेंस पर इफेक्ट पड़ता है, सो ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ भी अच्छा है। इसके अलावा देखो, इसका कैमरा मुझे काफ़ी अच्छा लगा, चाहे सेल्फी हो या बैक हो, दोनों कमाल के हैं। 48 मेगापिक्सल का वाइड लेंस है, साथ में टेलीफोटो लेंस भी इन्होंने अलग से दिया है। जी हाँ, 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, और इस वजह से पोर्ट्रेट फोटोज़ कमाल की आती है। पर जैसे ही थोड़ा लो लाइट में जाते हो ना, वहाँ पर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी बिल्कुल बकवास हो जाती है, पर डे लाइट में काफ़ी अच्छी ले लेगा। इसके अलावा कलर्स वगैरह काफ़ी अच्छे लगे मुझे, बट कभी कभी ह्यूमन स्किन को ना ये थोड़ा डरावना बना देता है, जब जूम करके देखोगे तो देखते ही रह जाओगे।
तो यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सकता था। वेल वाईफाई 6 भी मिल जाता है, फिंगरप्रिंट साइड माउंटेड, 5000 mAh की बैटरी है, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग। सो ओवरऑल मैं कहूँगा भाई एक बढ़िया ऑलराउंडर फोन है अंडर 20,000 रुपीज़। वैसे मैंने इसे कुछ टाइम पहले परचेज किया था 15,000 रुपीज़ में, मैंने ऑफर्स में बाय किया था और इसकी प्राइस ना नॉर्मली 16,000 17,000 बस यहीं तक रहती थी, बट अभी कुछ टाइम से 20 पर अटकी हुई है। और 20,000 में मैं कहूँगा कि ये एक बेस्ट ऑप्शन नहीं है। अगर ये फोन आपको 15,000 से 17,000 के बीच में मिल जाता है देन मैं कहूँगा इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। वैसे इसी का अल्टरनेटिव आपके पास है इन्फिनिक्स 05G 2023 भी है, किसी को वो चाहिए तो ले सकते हो, बट मुझे स्लाइटली ये बेटर लगा। लेकिन अगर 20,000 में मिल रहा है तो मैं कहूँगा कि रहने दो, दूसरे फोन्स बताता हूँ, उन पर अपनी नज़रें गाड़ना, इस पर अपना बिल मत फाड़ना। नेक्स्ट इज IQ Z7। वैसे इसी का अल्टरनेटिव वीवो T2 भी है, दोनों में से कोई भी कंसीडर कर सकते हो, दोनों जुड़वा भाई है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि देखो IQ वीवो का ही सब ब्रांड है। अब देखो IQ Z7 में आपको 5G बैंड्स मिलते हैं टोटली 6, और ये है बिल्कुल फिक्स। इंडिया में वैसे 9 लॉन्च हुए हैं पर ये तो 6 बैंड्स देकर खिसक लिए। इसका मतलब है कि कहीं कहीं पर आपको 5G कनेक्टिविटी में थोड़े इश्यूज मिल सकते हैं, कनेक्शन प्रॉब्लम हो सकती है, ये डिपेंड करता है एरिया टू एरिया किस जगह पर कौन सा बैंड काम कर रहा है। बाय द वे डिज़ाइन काफ़ी ठीक है, 173 ग्राम का फोन है, 7.8 मिलीमीटर थिकनेस, IP54 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट, वो भी इस बजट में। AMOLED डिस्प्ले है 90Hz की, 1300 निट्स पीक ब्राइटनेस चली जाती है। सो 20,000 में AMOLED डिस्प्ले के साथ 5G मिल रहा है, ये एक प्लस पॉइंट है। अदरवाइज ज़्यादातर कंपनी ना IPS से काम चलाती है, और देखो थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पर Gorilla Glass 5 नहीं है, स्कोर सेंसेशन ग्लास है। Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स, Dimensity 920 चिपसेट, Dimensity 920 मिल रही है यार, और क्या बच्चे की जान लोगे। हाँ बट स्टोरेज टाइप 3.1 नहीं है, 2.2 है। हाँ अगर 3.1 होता तो भाई गरीबों की दुआ निकलती, वो भी दिल से। वेल कैमरे की बात करते हैं, देखो दो कैमरे हैं सिर्फ, 64 मेगापिक्सल का वाइड लेंस है, OIS मिलता है, बट यस OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन। देखो इसका काम है स्टेबिलाइजेशन प्रोवाइड करवाना, वैसे ये ना इंसानों में भी लगाना चाहिए क्योंकि कुछ लोग बिना पहनने के लोटे होते हैं, कहीं भी गुड़क जाते हैं। वेल अब देखो यहाँ पर ना स्टेबिलाइजेशन काफ़ी अच्छा मिलता है, डेफिनेटली 20,000 रुपीज़ में जितने भी फोन अभी मार्केट में हैं सबसे अच्छा जो स्टेबिलाइजेशन है वो यहीं पर है, और इस वजह से देखो इसका कैमरा काफ़ी बेटर है। पर्सनली मुझे इसकी लो लाइट फोटोग्राफी ज़्यादा बेटर लगी, मतलब बहुत लो लाइट में भी ये काफ़ी अच्छे फोटोज़ ले लेता है। सो डेफिनेटली IQ ने यहाँ पर काफ़ी एक अच्छा फ़ोन लॉन्च किया है। वाईफाई 6 है, फिंगरप्रिंट अंडर डिस्प्ले, 4500 mAh की बैटरी, 44 वाट की फास्ट चार्जिंग। सो ओवरऑल मैं यही कहूँगा भाई 20,000 में ये कमाल का ऑलराउंडर फ़ोन है। हाँ कुछ चीज़ों में कमी है, जैसे कि 5G बैंड्स और हो सकते थे, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप होता, रिफ्रेश रेट ज़्यादा हो सकती थी, और यहाँ ना देखो अल्ट्रा वाइड और मैक्रो लेंस भी नहीं है, सिर्फ एक सिंपल वाइड लेंस है, साथ में डेप्थ है जो कि एक के साथ एक फ्री है। बट ओवरऑल अगर मैं अपनी लिस्ट में बता रहा हूँ मतलब अच्छा ही होगा ना, तो देख लो कंसिडर करना चाहो तो कर सकते हो। वैसे इसी का अल्टरनेटिव है वीवो, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये IQ नाम नया नया होगा, तो वीवो ले लो, तुम्हारी मर्ज़ी। बाय द वे IQ के मोबाइल्स वीवो के सर्विस सेंटर पर रिपेयर होते हैं। ओके सो नेक्स्ट है सैमसंग F23। ये ना स्पेशली मैंने सैमसंग लवर्स के लिए रखा है क्योंकि कुछ लोगों को सैमसंग का ही नशा चढ़ा होता है, उन्हें सैमसंग का फ़ोन चाहिए। तो देखो अराउंड 15,000 to 16,000 में ये फ़ोन आपके घर पर आ जाएगा। 5G बैंड्स काफ़ी सारे हैं, TFT LCD डिस्प्ले मिलती है, और ये डिस्प्ले मैं बता दूँ IPS के सिमिलर ही होने वाली है। इन्फिनिक्स 05G और सैमसंग F23 इनकी डिस्प्ले ना काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, वैसे सैमसंग की डिस्प्ले थोड़ी बेटर होती है। 120Hz की रिफ्रेश रेट है, एंड्रॉइड 12 मिलेगा जिसे कि एंड्रॉइड 13 में अपग्रेड कर सकते हो। प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का 750G G4 जीनियस, जैसे कि मैं चल चूटा। अब देखो ये ना एक डिसेंट सा प्रोसेसर मैं कहूँगा, थोड़ा पुराना है, ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, तीनों ही लेंस हैं, और कैमरा क्वालिटी भी अच्छी है, थोड़ी नेचुरल फोटोग्राफी कर सकते हो क्योंकि सैमसंग ना देखो थोड़े नेचुरल कलर्स आपको यहाँ पर देता है। कैमरा क्वालिटी ओवरऑल मैं कहूँगा अच्छी है, पोको X5 से कंपेयर करते हो तो यहाँ पर कैमरा ज़्यादा बेटर है। फिंगरप्रिंट साइड में लगा सकते हो, 5000 mAh की बैटरी है, 25 वाट की फास्ट चार्जिंग। सो ओवरऑल ये भी एक अच्छा फ़ोन है, डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। ओके अब एंट्री होती है हमारी मूवी के नेक्स्ट हीरो की, दैट इज पोको X5। तो देखो पहले ही बता दूं कि ये फ़ोन आपके अराउंड 15,000 में आ जाएगा, बट प्राइजेस ऊपर नीचे होती रहती है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा चारों फोन्स के। अगर प्राइजेस ज़्यादा हो जाए तो मुझे कोस ना मत, और अगर कम हो जाए तो दुआ दे सकते हो। वेल यहाँ पर देखो 5G बैंड्स काफ़ी सारे दिए हैं इन्होंने, पोको ने कंजूसी नहीं की, और साथ में डिज़ाइन वगैरह भी आपको ठीक लगेगा, नीचे की चीज थोड़ी ज़्यादा मुझे लगी, बट हाँ पंच होल डिस्प्ले है, AMOLED डिस्प्ले मिलती है 120Hz की, यस Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन भी है, Android 12 के साथ ये लॉन्च हुआ था, 13 का अपडेट मिल जाएगा, पर यार उससे एक अपडेट भी कम हो जाएगा। प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 695, इस बजट में मैं कहूँगा कि एक डिसेंट सा प्रोसेसर है, SD कार्ड लगा सकते हो, एक सिम को कुर्बान करना पड़ेगा। स्टोरेज टाइप बता दूँ कि UFS 2.2 है। कैमरे की बात कर लेते हैं, 48 मेगापिक्सल का वाइड, देन अल्ट्रा वाइड और मैक्रो भी है, तीनों लेंस हैं, कैमरा क्वालिटी कुछ ऐसी है।
सो प्राइस देखते हुए ना इसका कैमरा आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। वैसे मैंने आज जो चार फोन्स लिए हैं ना, चारों के कैमरे अच्छे हैं। सबसे अच्छा किसका है ये मैं अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। स्टीरियो स्पीकर्स हैं, मतलब कि दो स्पीकर्स हैं। फिंगरप्रिंट साइड माउंटेड है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट अंडर डिस्प्ले हो सकता था, एमोलेड डिस्प्ले है क्योंकि, बट नहीं है। वेल 5000 एमएच की बैटरी है, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग। सो ओवरऑल अच्छा फोन है, कंसीडर कर सकते हो, वैल्यू फॉर मनी फोन है। वैसे आपको कौन सा फोन ज्यादा अच्छा लगेगा चारों में ये मुझे कमेंट में बता सकते हो, और भाई की वीडियो कैसी लग रही है ये भी जरूर बताना। और हाँ, चैनल न्यू है यूट्यूब पर तो थोड़ा सपोर्ट भी कर सकते हो, ताकि ऐसी ही ट्रस्टेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। नहीं तो मैं चैनल बंद करके ठेले पर आलू ले लो, कांदे ले लो, और तुम्हें तो प्याज भी नहीं बेचूंगा। चलो वो फाइनल सजेशन की बात करते हैं। मुझे इस लिस्ट में सबसे बेटर लगा है IQ Z7, क्योंकि सभी चीज़ें टॉप लेवल है और एक वैल्यू फॉर मनी फोन है। हाँ, कुछ कमियां हैं जो कि मैं पहले बता चुका। इसके अलावा इन्फिनिक्स 05GB एक अच्छा फोन है, लेकिन अभी जो 20,000 में वो मिल रहा है इस बजट में मैं इसे बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, 15-17,000 तक भी आ जाता है तब एक अच्छा फोन है, अदरवाइज रहने दो। वैसे पोको X5 भी भाई आपके पैसों की पूरी वैल्यू दे रहा है, फीचर्स बहुत अच्छे डाले गए हैं। सो ओवरऑल तीनों फोन्स यार मुझे कमाल के लगे। हाँ, सैमसंग की अपनी एक अलग कहानी है। अगर किसी को ड्यूरेबल फोन चाहिए जो कि 4-5 साल तक चला सको, तब वो सैमसंग की तरफ देख सकते हो, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी के मामले में सैमसंग एप्पल ये काफी आ गया। तो अगर आपको चाहिए एक फ्यूचर प्रूफ फोन और चाहिए सैमसंग का लोगो, तो फिर सैमसंग F23 कंसिडर कर सकते हो। आई होप अब अपने लिए एक बढ़िया सा फोन ले सकते हो। चलो बस आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।